हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका जो है एग्जाम समाप्त हुआ है, 22 तारीख वाला जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हुआ है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसा गया आपका एग्जाम, कैसा अटेम्प्ट था, कैसा गया आपका एग्जाम। अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैम? अभी एग्जाम दिया है क्या? लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैम। थोड़ा आइएगा, कैसा गया आपका एग्जाम, थोड़ा बताइएगा। उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था एक्चुअली। मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, जितना भी था ज़्यादातर करंट का ही था, और रीजनिंग बहुत अच्छा था। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? 51 51 क्वेश्चन किए जी। आपको कैसा लगा ओवरऑल पेपर एनालिसिस? अच्छा। आपका बताइए जरा सर, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा गया, वो लगभग 50 और 60 के बीच में क्वेश्चन मैंने श्योरली लाउडली बोलिए, 50 और 60% के बीच में मेरा लगभग श्योरली है कि वो सही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है क्या? जी कुछ क्वेश्चन याद भी है। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? नहीं, कुछ क्वेश्चन वैसे ध्यान में तो नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं है। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? लगभग 51-52 होगा। 51-52 सॉल्व किए। आप एग्जाम था जी सर? हाँ, कैसा गया एग्जाम बताइए। एग्जाम ठीक गया। अच्छा गया जी। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 70 काफ़ी कुछ लग रहा है, मतलब एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया है। हाँ ठीक ठाक है। चलिए, इस बार सिलेक्शन भी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन याद है क्या आपको, आपका एग्जाम था? हाँ, जैसे पूछा था ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ नया नया स्थापित हुआ है। अच्छा, और गुणसूत्र से गुणसूत्रों की संख्या पूछा था, कितने जोड़े वाला गुणसूत्र पूछा हुआ था। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ना, थोड़ा टाइम पास करने वाला दिए हुए था। कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था क्या? कम से कम 5 को। सीटिंग अरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन आया था कम से कम। अच्छा, और बताइएगा, जैसे कि कह सकते हैं साइंस का कैसा क्वेश्चन आया? साइंस भी ठीक था, लेकिन फिजिक्स से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, कथन निष्कर्ष वाला 2 क्वेश्चन पूछा था। कथन निष्कर्ष 2 था। सीटिंग अरेंजमेंट टोटल कितना बोले? 5। 4 से 5 को होगा। 4 से 5। सिलोलिज्म 2 को था। सिलोलिज्म 2 को था। ओवरऑल कैसे है कि पेपर, अगर हार्ड है या इजी है? एग्जाम का मॉडरेट पेपर था, ना ज़्यादा हार्ड था, ना ज़्यादा हार्ड कर सकते, ना ज़्यादा लो कर सकते। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि साइंस का केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया से जी, एक क्वेश्चन शायद था, उसको मैंने पूछा था कि अपचयन है कि अपकारक है, ऐसे करके कुछ पूछा था। अपचयन और अपकारक वाला ना, करंट 2022 का था। करंट कहाँ का था? 2022 का। करंट 2022 का। आपका एग्जाम हुआ है? आइएगा सर थोड़ा इधर। अच्छा ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बता दीजिए जो आगे थोड़ा सा हेल्प होगा, बता दीजिए क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग ध्यान का, मैथ के क्वेश्चन नॉर्मल है, मैथ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन ये सब आया था? हाँ, सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन आया था। और अल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था, अल्जेब्रा से 2 क्वेश्चन था। अल्जेब्रा से 2 था, जो मेंसुरेशन कहते हैं, मेंसुरेशन भी 2 क्वेश्चन था। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा था, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल पूछा, त्रिभुज में 3 वो भुजा के दिए हुए था माप, उसका क्षेत्रफल पूछा था। चतुर्भुज में 2 भुजा के दिया था, एक विकर्ण दिया हुआ था, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। अच्छा, और प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन? लॉस का 2 क्वेश्चन था। अच्छा, प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन था। और रेल और ट्रेन से भी 2 क्वेश्चन था। रेल और, अच्छा, कह रहे हैं कि देखिए ये सब जो है क्वेश्चन पिछला शिफ्ट में आया था, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। पाई चार्ट से आपका क्वेश्चन आया था क्या? जो बार ग्राफ पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन था, बहुत हल्का ही था, बहुत हल्का था। और बताइएगा, जैसे आप कह रहे कैलेंडर से, आपका कैलेंडर से क्वेश्चन था? अच्छा, इसी में कैलेंडर से नहीं था, वेन डायग्राम में? आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप आइए, आप भी थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्जाम। कौन सा था? सेटिंग अरेंजमेंट। एमजी मनीष गुरु, सेटिंग अरेंजमेंट से इसका लगता 5 बताया सर। अच्छा ठीक है ना, और साइंस से भी लगभग मैं कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था? इतना हार्ड नहीं था, लेकिन साइंस में थोड़ा हल्का फल्का है, मैथ उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 80 को टच किए हैं। 80 को टच। क्वेश्चन बताइए आपका एग्जाम क्या दिया? इसमें मनुष्य का गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा था, ठीक है, और इसमें करेंट अफेयर्स कुछ पूछा था इसमें, लेकिन ध्यान अभी हमको। कथन निष्कर्ष से कितना क्वेश्चन आया था? कथन निष्कर्ष से लगता 4 क्वेश्चन होगा। 3 नहीं, कितना क्वेश्चन बोले? कितना क्वेश्चन? 3 या 4 क्वेश्चन होगा। 3 या 4 क्वेश्चन जल्दी अभी याद नहीं है। अच्छा, 3 या 4 क्वेश्चन होगा। थोड़ा आगे आइए ना, सामने आइए ना। अच्छा, और बताइएगा भैया, थोड़ा सा बताइए कि सीरीज से कितना क्वेश्चन था? सीरीज से 2 क्वेश्चन था। सीरीज से 2 था। एनालॉजिक से नहीं आया था, वर्ल्ड रिलेशन से आया था, और क्या होता है कैलेंडर से भी नहीं आया था। कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं आया? कैलेंडर से भी नहीं आया था। और ब्लड रिलेशन से भी नहीं आया था। ये एलसीएम से क्वेश्चन था। हाँ, इसका मैथ में था, एलसीएम से था, और आपका प्रॉफिट से भी था। प्रॉफिट लॉस का 2 या 3 क्वेश्चन। आइए ना, आप तो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर मार रहे हैं आप। अच्छा, कोई बात नहीं, आइए इसमें देखिए। अब आइए जरा सर, हम लोग आते हैं कि साइंस का न्यूमेरिकल से, जैसे कहते कि कार्य ऊर्जा शक्ति या फिर लाइट चैप्टर, दर्पण चैप्टर से कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, इसमें आया था, इसमें दर्पण से, जैसे कि दर्पण से आया था, एक क्वेश्चन आया था। और आपका लेंस फार्मूला से? लेंस फार्मूला से आया था कि
माने इसका जो केंद्र होता है ना, माने क्या बुला रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया से बताइएगा। रासायनिक अभिक्रिया से नहीं आया, ह्यूमन बॉडी से आया हुआ था। ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आया था ना, गंगा तक आया हुआ था। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम ठीक ठाक गया। ठीक ठाक गया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 92 किया। और बताइएगा पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? पेपर का लेवल पढ़ने लायक ठीक था। हाँ पढ़ने लायक ठीक ठीक था। जो आज नहीं तैयारी किए हैं भाई उसके तो हाँ पढ़ने लायक ठीक क्वेश्चन था। आपका कैसा गया एग्जाम? सर अभी मैं जा ही रहा हूँ। अभी आप जा ही रहे हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या कुछ? हाँ बहुत सारे क्वेश्चन याद है। क्या चीज़ में? जैसे कि करंट अफेयर्स कहाँ का आ रहा है? करंट जुलाई 2022 का था। जुलाई 2022 का और जुलाई 2022 का रिसेंट का आपका करंट अफेयर्स था? हाँ रिसेंट का था। और बोलिएगा और मतलब और योजना से कुछ क्वेश्चन? हाँ योजना से हाँ कहाँ से था? पंचवर्षीय योजना से नॉर्मल ऐसे योजना मतलब नॉर्मल हर कोई बंदा बना। जनगणना से क्वेश्चन था क्या? जनगणना से नहीं था लेकिन जनगणना से साधारण ब्याज होता है ना उससे दो क्वेश्चन था। साधारण ब्याज तो मैथ हो गया ना भाई, जनगणना हो गया। नहीं जनगणना वाला हम बोल रहे हैं, आपका सेंसेक्स का बात कर रहे हैं। सेंसेक्स का और जरा सा बोलिएगा कि जैसे आपके कहते कि ऐसे नदियाँ पहाड़ फॉरेस्ट यहाँ से कुछ क्वेश्चन? फॉरेस्ट से कहा था कि मध्य प्रदेश में कौन सा पानी संग्रह के लिए जाना था? कुल्हा होता है, उसको जानते थे कुल्हा। और आपका रासायनिक वाला से कुछ क्वेश्चन? दो समीकरण था उसमें था कि ऑक्सीकरण अवकरण को दोनों किस्में होता है, तो जानते थे AL2 होती है AP का था वो। अच्छा तो जो रासायनिक वाला है तो इसका हम क्लास आपका ऑलरेडी कराए हैं, आपका वहीं से दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं और उसका PDF भी जो है फ्री में आपको टेलीग्राम पे दिए हैं, तो टेलीग्राम को भी आप लोग देख लीजिएगा और रासायनिक वाला PDF वहां से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है और बताइएगा और क्या जानना बताइए। और जैसे कि आपका मैथ्स को कैसा लगा? मैथ मेरे लिए बहुत अच्छा, जो मैथ तैयारी में है रेगुलर उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप 55 में इधर कम से कम 50 ला सकते हैं, तैयारी में है तो आराम से ला सकते हैं। अच्छा मैथ्स ओरिजिनिंग मिला के आराम से 55 में आराम से 50 ला सकते हैं। अच्छा दर्पण और लेंस से कुछ क्वेश्चन? हाँ दो क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन? हाँ हाँ क्वेश्चन याद है। हाँ याद है था कि अवतल दर्पण से अगर जो F था उसको टी ऑफ कर दिया जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? अच्छा हाँ तो -2 हो जाता है, इसे -1 वस्तु की दूरी बटे वस्तु की ऊंचाई पति होता है ना फॉर्मूला है M/V/U, बस उसको दोगुना कर देना था। अच्छा ओम्स लॉ और विद्युत धारा से कुछ? हाँ ओम्स लॉ से एक था। ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन आया, हर एक का शिफ्ट में आ रहा है ओम्स लॉ। हाँ 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 मतलब समीकरण था ये मतलब आर पूछ रहा था, आई भी दे लेता हूँ। और भी कोई भी बराबर आयर होता है ना? हाँ। आर पूछा था, आई भी दे लेता नॉर्मल था, आई भी दिया हुआ था। और ओवरऑल कह दिया जाए साइंस का पेपर कैसा आया हुआ था? तो सर साइंस भी था कुछ टफ था, मतलब कहा गया तो 25 में कम से कम 5-6 टफ थे और बाकी एक पढ़ने के लिए ठीक था, बाकी नॉर्मल था अभी साइंस। हाँ पढ़ने लायक ठीक था, मतलब रेगुलर में है सही है। बायोलॉजी का कुछ जैसे आपका प्रजनन तंत्र जो भी था हमको तो हार्ड बुझाया, 2-3-4 क्वेश्चन था उसमें एक को बनना, बाकी तीन को मतलब अच्छी मारे थोड़ा रिक्स लेके मारे हैं। अच्छा देखिएगा ह्यूमन बॉडी जैसे आपका आ रहा है बहुत अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, पाचन तंत्र यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन नहीं है। ओवरऑल पेपर को क्या कहा जाए कि आपका मीडियम था या क्या था? देखिए ओवरऑल जो हम कह सकते हैं तो एक 3 लेवल होता है, हाई मीडियम और लो नहीं कह सकते हैं, ना ही मीडियम कह सकते हैं, मीडियम और टफ के बीच में रह सकते हैं, मीडियम टफ के बीच में मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा चलिए तो ठीक है, आप आगे बताइए जिन लोग का आगे एग्जाम है आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या ध्यान दें? हम उन लोग को ये कहना चाहते हैं कि जो लेवल जो आप देख रहे हैं हर कोई मतलब इसका एग्जाम का कुछ ना कुछ एनालिसिस डाल दे रहे हैं, उनको अध्ययन कीजिए उससे रिलेटेड आप देख लीजिए, बस यही काफी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जैसे 17 तारीख का एग्जाम हुआ 18 उसके आधार पर हम भी अभी क्वेश्चन जो लिखे हैं उसके आधार पर काफी जो पैटर्न है आपका मैच हो ही रहा है। हाँ बहुत पैटर्न मिल रहा है, इसलिए एनालिसिस जरूर देखिए और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा। MG मनीष गुरु जी के एन जी एस बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा फायदा। MG मनीष गुरु और बताइए और सब कुछ सही है ना? बस सही है सर। कहाँ से आए हैं सर? मैं बिहार से पेपर लिया हूँ, बिहार शरीफ। बेस्ट ऑफ लक, इस बार आसाम से आरानी से जितना भी जो भी परेशानी है ना आप लोग का सब जॉब लग जाए और ठीक हो जाए इस बार। थैंक यू सर। ठीक है तो देखिए ये जो एनालिसिस देखे आप लोग लगभग आपका पूरा जो है कुछ डिस्कशन कर दिए हैं, बाकी आपका स्टूडियो से हम लोग जाएंगे वहाँ पे आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आया है उसको डिस्कस करेंगे। और जो कल हम केमिकल रिएक्शन का जो आपका क्लास करवाए थे आपको देखे भी होंगे, लगभग 20,000 के करीब स्टूडेंट जो है उसको देख चुके हैं, उसको देखिए आप लोग इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और उसका PDF जो है आपका 50 क्वेश्चन NCERT बेस्ड है, वो आपका बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो टेलीग्राम से PDF जो है उसका ले लीजिए। साथ में आपका क्या है ना जो हम लोग 3,000 क्वेश्चन का जो आपको PDF दिया है वहाँ से आपका काफी क्वेश्चन आ रहा है, और अभी हम जाके देखते हैं बाकी पिछला जो 17-18 वहाँ से आपका काफी क्वेश्चन आया है, और अभी जाके देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका कॉमन पर है वो भी आपको करेंगे। लेकिन टेलीग्राम को साथ में आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कीजिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल जाना है क्योंकि आपका हर एक PDF आपको वहाँ पे मिलेगा। और केमिकल रिएक्शन वाला तो भैया जरूर ले लीजिए, हर एक का शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड शिफ्ट में आपसे मिलेंगे। और आगे आपका लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विद्युत धारा वाला हो गया, उसको भी जो हम लोग एक एक करके आपका जो है इसी चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।